महिला बाल विकासचे बरणपूर जिल्ह्याचे शहापूर परियोजना अधिकारी महेश मेहरा यांनी आज चापोरा येथील अंगणवाडीमध्ये जाऊन पर्यवेक्षक भावना खेडकर यांच्यासह 12 दिवसीय कार्यक्रमातील अभियान राबवले. यामध्ये कुपोषित बालकांच्या बाबतीत मार्गदर्शन करण्यात आले. कुपोषण हा एक जीवघेणा आजार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. कुपोषणामुळे शारीरिक विकास होत नसतो व वजनात घट होत असते. त्यामुळे अंगणवाडीमध्ये आपल्या बालकास आणून शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यास त्यांनी सांगितले. याच बातमीचा आढावा घेतला आमच्या इंडिया न्यूज एक्सप्रेसचे प्रतिनिधी संजय महाजन यांनी. सुपोषण अभियान के बारे में क्या जानकारी है दी आपने? मध्य प्रदेश शासन महिला बाल विकास द्वारा सुपोषण अभियान के तहत स्नेह शिविर लगाए जा रहे हैं. स्नेह शिविर में जो अति कम और कम वजन के बच्चे हैं उनके पोषण स्तर में सुधार के लिए 12 दिवस तक माताओं सहित बच्चों को बुलाकर उनको पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया जाता है और माताओं को पोषण परामर्श दिया जाता है. बच्चों की देखभाल के लिए उनको क्या क्या करना चाहिए और बच्चों का पोषण स्तर बढ़े उसके लिए 12 दिवस में अलग अलग विषय पर माताओं को पोषण परामर्श दिया जाता है और उस पोषण परामर्श से काफ़ी परिवर्तन आने की संभावना है. ये अभियान जो है 12 दिन के उपरांत भी 6 माह तक निरंतर चलता रहता है. इसमें प्रति मंगलवार प्रति शुक्रवार विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ होती हैं. इसके बाद गृह भेंट के माध्यम से पोषण दस्तक के माध्यम से भी माताओं को समझाई दी जाती है. इन कार्यकर्ताओं को आपने क्या महत्वपूर्ण निर्देश दिए? कार्यकर्ताओं को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात तो ये है कि सभी माताएं अपने बच्चे के साथ उपस्थित हों और माताओं को जो हमको पोषण परामर्श देना है उनको सही सही सरल शब्दों में दिया जाए. उसमें हम सामुदायिक वृद्धि निगरानी का उपयोग करें. हमारे पास सुपोषण कुंजी के माध्यम से जो बातें बताना है वो बताई जाए और उनको बच्चों की देखभाल के लिए अच्छे से अच्छी तरीके से उसको पोषण स्तर में सुधार करें ऐसा उसको समझाया जाता है. सर आपका नाम और पद? महेश मेहरा परियोजना अधिकारी शाहपुर.